दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं, वहीं अब इस मामले में दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के अधिकारियों को खर्च का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मुख्य सचिव से इस पूरे मामले पर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए रेनोवेशन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखने का आदेश दिया है। एलजी ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सभी दस्तावेज और फाइल सुरक्षित रखने और जाँच पूरी कर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सूत्रों की माने तो इन फाइलों और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD अफसरों और संबंधित मंत्रियों की भूमिका की जांच करेंगे। यही नहीं, मामले में इस बात की भी जांच होगी कि क्या रेनोवेशन की इजाजत देने के लिए वित्तीय नियमों में बदलाव भी किया गया। अगर ऐसा हुआ तो ये किसके आदेश पर हुआ? बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि साल 2020 से 2022 के दौरान 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा इस मामले को उठाकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।